जहेज का मसला। सईद इब्राहिम। जहेज अपनी असल में औरत के कमतर बल्कि नाकारा और नाकिस होने का ऐलान है, जो सीधा सीधा मर्द की बरतर माशी हैसियत का गम्माज है। एक ऐसा समाज जहां बार बार इस्तेमाल होने वाली औरत यानी तवायफ तो हर बार मर्द से अपने बदन को इस्तेमाल करने की कीमत वसूल करती है, मगर शरीफ औरत अपनी तमाम तर पाकीज़गी के सबूत के बावजूद मर्द के साथ मुस्तकिल रिश्ता जोड़ने के लिए कीमत अदा करती है। अगरचे लड़के के घर वाले भी बरी की सूरत में माकूल रकम खर्च करते हैं, लेकिन वो निकाह वाले दिन बिरादरी को दिखाने के बाद उन्हीं के घर चली जाती है। मर्द की मुआशी खुद मुख्तारी का तकाजा तो यही बनता है कि नया घर बसाने के लिए ज़रूरी साजो सामान की जिम्मेदारी उसी पर आयद होनी चाहिए, मगर ये सारा बोझ जहेज की शक्ल में लड़की के घर वालों को उठाना पड़ता है। जहेज की अदायगी का एक मतलब ये भी है कि लड़की की हैसियत एक नापसंदीदा बोझ की सी है, एक ऐसा वजूद जो सरासर गैर पैदावारी है, जिसे एक ख़ास वक्त के बाद घर बैठाकर खिलाना और उसके दीगर अखराजात बर्दाश्त करना काबिल कबूल बात नहीं। सो बेहतर है कि एक ही बार लंबा चौड़ा खर्चा बर्दाश्त करके उसे शादी के नाम पर किसी ऐसे मर्द के सुपुर्द कर दिया जाए जो बाकी ज़िंदगी के लिए उसके अखराजात उठा सके। रुखसती के वक्त वालदैन की जानिब से दी जाने वाली ये बद्दुआ नुमा दुआ कि इस घर से तुम्हारी डोली उठी है तो जनाजा अगले घर से ही उठना चाहिए, इस ख्वाहिश की गम्माज है कि तुम्हारी ज़िंदगी भले कितनी ही अजियतनाक क्यों ना हो, ससुराल को छोड़कर कभी वापसी का इरादा मत करना। हमारे यहाँ तलाक का अमल इसीलिए शदीद नापसंदीदा है कि ये फिर से वालदैन पर लड़की का बोझ डाल सकता है, वो भी एक दो बच्चों के इजाफे के साथ, और उसे फिर से रुख्सत करने के लिए नए सिरे से लंबा चौड़ा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वालदैन के लिए यकीनन एक तकलीफ देह सूरत हाल है, जिसे समाज के अक्सर हसास अफराद एक अलमिये की सूरत में महसूस करते हैं और कई तो इसके खात्मे के लिए बाकायदा इदारे तश्कील देते हैं, मगर वो इस समाजी बीमारी का खात्मा करने की कोशिश करते करते थक हार कर बैठ जाते हैं। जहेज एक लानत है, मगर सिर्फ देने वालों के लिए जबकि लेने वालों के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा। सोसाइटी लाख चीख चीख कर इसे लानत कहे, मगर इसके खात्मे का अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वो समाज वजूद में नहीं आया जहाँ जहेज का लेन देन अपनी नागजीरियत खो बैठे। जहेज के खात्मे की यूटोपियाई ख्वाहिश। अरसा हुआ मुझसे दो पुरखलूस नौजवान मिलने आए। उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में बताया कि वो समाज से जहेज की लानत का खात्मा करना चाहते हैं। उनका गुमान था कि मैं उनके इस जज्बे की तारीफ करूंगा और काम में बेहतरी के लिए कुछ सुझाव भी दूंगा। उनकी तवक्को के बरखिलाफ मेरा जवाब उनके लिए कतन खुशगुन नहीं था। मैंने साफ बोल दिया कि वो एक नामुमकिनुल अमल काम सर अंजाम देने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसे वो बहुत जल्द भारी पत्थर जानकर छोड़ देंगे। वजह यह थी कि वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद सोसाइटी के ताने बाने से तकरीबन नावाकिफ थे। वो नहीं जानते थे कि जहेज की रस्म का हमारी सोसाइटी में मौजूद सिन्फी तफावुत से क्या ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ बहुत से दीवाने हैं जो ऐसे ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं, मगर अपनी तमाम तर पुरखलूस कोशिशों के बावजूद नाकामी से दो चार होते हैं। कुछ अफराद या तंजीमों ने इस मसले का हल इज्तमाही शादियों की सूरत में ढूंढा है, मगर जहेज की लानत को वो 1% भी ख़त्म नहीं कर पाए। जहेज दरअसल कबायली और फ्यूडल समाज का लाजमा है, जिसे निज़ाम की तब्दीली के बगैर ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं। इसका ताल्लुक बराह रास्त मुआशी निज़ाम से है। कबायली और फ्यूडल समाज में अगरचे औरत मर्द से ज़्यादा काम करती है, मगर वो मुआवजा पाने की अहल नहीं होती। उसे मर्द की तरह एक आज़ाद फ़र्द का दर्जा हासिल नहीं होता। उसके काम के शोबे भी मर्द की मर्जी से तय होते हैं। उसका घर से अकेले निकलना रिवायात के खिलाफ समझा जाता है। रिवायात का मतलब यह है कि उसके अंदाज़े ज़िस्त पर पूरी सोसाइटी निगरान होती है, जो रिवायात से हटकर चलने पर उसका जीना दूभर करने का गैर मशरूत हक रखती है। ऐसी औरत को कोई बुरे से बुरा मर्द भी गंदी औरत या फाहिशा का खिताब दे सकता है। जहेज एक तरह से औरत की जिस्मानी और समाजी कमतरी के साथ साथ उसके माशी तौर पर नाकारा होने का ऐलान है, एक ऐसा नाकारापन जिसे खुद हमारी औरत ने भी तस्लीम कर लिया है।
उसने मान लिया है कि वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं, जिसका मसरफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बन सवर कर मर्द को लुभाए, उसके बच्चे पैदा करे और उसकी खिदमत गुजारी को अपना दीन धर्म जाने। जहेज़ औरत की हैसियत की इसी कमतरी को किसी हद तक दूर करने का टूल है। हम भी अजीब लोग हैं कि पहले मज़हब और ख़ानदानी रिवायात के नाम पर औरत की सलाहियतों के पनपने के तमाम रास्ते बंद करके उसे एक नाकारा वजूद में बदलते हैं और फिर उस गढ़ी और सिधाई गई औरत को मिसाल बनाकर ये दावे करने लगते हैं कि जनाब औरत तो है ही कमतर और नाकिस, ये अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकती। जिस मज़हब की रूह से हम औरत को नाकिसुल अक्ल साबित करते हैं, उसी की मदद से ये दावा भी करते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और फिर औरत को घर में बंद रखने के लिए दलील ले आते हैं कि उसका काम औलाद की तरबियत करना है। इन मुतज़ाद किस्म के दावे करने वालों से कोई नहीं पूछता कि जनाब एक नाकिसुल अक्ल औरत औलाद की बेहतर तरबियत कैसे कर सकती है, जिसे दुनिया का कुछ इल्म ही नहीं, वो अपनी औलाद को दुनिया में रहने का हुनर खाक सिखाएगी। हमारे यहाँ तो मर्द के मुकाबले में औरत की हैसियत एक माशी बोझ की सी है, जिसके नान नफ़के की जिम्मेदारी मर्द पर डाली जाती है। ऐसी सूरत में औरत के लिए अपनी हमजिन्स को पैदा करना किसी ख़तरे से कम नहीं है। उसे भी अपनी रुखसती याद है जो उसके घर वालों के लिए किसी पहाड़ को सर करने से कम नहीं थी। उसे जहेज़ जमा करने की मुसीबत भी नहीं भूली। उसे खुद पर लगाई जाने वाली वो पाबंदियाँ भी याद हैं जो उस पर इस्मत की हिफाजत के नाम पर लगाई जाती थी। ऐसे में बेटी का पैदा हो जाना उसकी खानगी ज़िंदगी के लिए मुसीबत और नहुसत बन सकता है। लड़की की पैदाइश का मतलब है एक अनचाहे बोझ का इजाफा, जिसकी तालीम, तरबियत और परवरिश पर खर्च किया गया पैसा ज़ाय होने के मुतरादिफ है, और इस पर मजीद ये कि हर वक्त उसकी इफ़्फ़त और इस्मत की निगरानी का अजाब अलग। हमारा समाज मर्दानगी के फ़ख्र से लबरेज़ है, यहाँ औरत हर हैसियत और रिश्ते में सानवी दर्जा रखती है। औरत फ़र्द के तौर पर नहीं बल्कि रिश्तों से पहचानी जाती है, रिश्ते से बनने वाली पहचान उसकी इनफरादी पहचान को खा जाती है। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन, किसी की बीवी और किसी की माँ, मगर वो फ़र्द नहीं है जो अपने फ़ैसले आज़ादी के साथ करने का हक रखती हो। क्या जहेज़ का खात्मा मुमकिन है? जी बिल्कुल, जहेज़ का खात्मा मुमकिन है, लेकिन ये सीधा सीधा औरत की गैर मशरूत आज़ादी से मशरूत है। बिल्कुल वैसी ही आज़ादी जैसी कि मर्द को हासिल है। आज़ादी का मतलब है कि उस पर तालीम और काम के उन सभी शोबों के दरवाज़े वा किए जाएं जो अभी तक सिर्फ मर्दों के तसर्रुफ़ में हैं, और उन्हें मेरिट पर आगे बढ़ने के गैर मशरूत मौक़े फराहम किए जाएँ। इसके लिए लाजिम है कि हम फ्यूडल मर्दानगी के तसव्वुर को रद्द कर दें, गैरत के फरसूदा तसव्वुर से निजात हासिल करें, मज़हब और रिवायात की अंधी तकलीद के बजाय अक्ल और तज़िये का रास्ता इख्तियार करें। औरत के इस हक़ को तस्लीम करें कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती है, अपना जीवन साथी खुद मुंतखब कर सकती है, अपनी सोच को त्यागने पर आमादा हों कि औरत मर्द से कमतर है। हैरत है कि जो बातें हमारा अजीम फ़लसफ़ी इबन रुश्द 800 बरस पहले कह गया, हमारी सोच आज के जदीद दौर में भी उनसे कोसों दूर है। ये नाबग़ रोज़गार फ़लसफ़ी कहता है, औरतें मर्दों से सिर्फ बलिहाज़ मदारिज मुख्तलिफ हैं, न बलिहाज़ फितरत। जितने काम मर्द कर सकते हैं वो भी कर सकती हैं, जंग, तालीम, फ़लसफ़ा वगैरह, मगर कमतर पैमाने पर। बाज़ औक़ात औरतें मर्दों से मौसीकी में बाजी ले जाती हैं, हत्ता के इस फ़न का कमाल सिर्फ उस वक्त समझा जाता है जब मर्द राग तसनीफ़ करें और औरतें उन्हें गाएँ। बाज़ अफ्रीकी रियासतों की मिसालों से साबित होता है कि औरतों में जंग की भी खासी सलाहियत है। अगर ये भी एक जमहूरी हुकूमत में हिस्सा लेने लगें तो कोई गैर मामूली बात नहीं समझी जाएगी। क्या हम नहीं देखते कि चरवाहे की कुतियाँ भी भेड़ों की तरह उसकी हिफाजत करती हैं जैसे कि कुत्ते? हमारी तमद्दुनी हालत औरतों को इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी तमाम लियाकतों का इजहार कर सकें। ये मालूम होता है कि गोया वो सिर्फ़ बच्चे पैदा करने और उन्हें दूध पिलाने के लिए पैदा हुई हैं। इसी ग़ुलामी की हालत का यह नतीजा हुआ कि उनमें बड़े बड़े कामों के अंजाम देने की जो काबिलियत थी वो ज़ाय हो गई। यही वजह है कि हमें एक भी औरत ऐसी नज़र नहीं आती जो अखलाकी खूबियों से आरास्ता हो। उनकी उम्रें नबातात की तरह बसर हो जाती हैं और वो अपने शौहरों की खिदमत गुजारी में लगी रहती हैं। ये भी एक मुसीबत है जो हमारे शहरों को तबाह कर रही है, इसलिए कि जितनी तादाद मर्दों की है उससे दुगनी औरतों की तादाद है,
और ये औरतें खुद अपने दस्तों बाजू से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कमाने की इस्तेदाद नहीं रखती। इब्ने रुश्द, फ़लसफ़े इब्ने रुश्द, मुसन्निफ़ मोसरेना, तर्जुमा मौलवी माशूक हुसैन खां अलीग। ये दुरुस्त है कि फ्यूडल समाज धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, मगर सदियों से बनी हुई नफ्सियात मरते मरते भी कई नस्लें बर्बाद कर जाएगी। सरमायादाराना निज़ाम में अशिया की बाइफ़रात प्रोडक्शन और चकाचौंध ने हमें निरा हवन्नक बना दिया है। हम बिला सोचे समझे हर नई शय को अपनी दस्तरस में लाना चाहते हैं। घर में एक कमाने वाला हमारे सारे मुतालबे पूरे करने में नाकाम है। ऐसे में बीवी और बेटियों का माशी मैदान में आना नागुजीर होता जा रहा है। हमारा अलमिया यह है कि हम जागीरदाराना नफ्सियात की जकड़ के साथ सरमायादाराना मईशत के तेज़ी से तगैर पजीर दायरे में कदम रख रहे हैं। दो कश्तियों की सवारी ने हमें बौखला कर रख दिया है और हमारी दानिश हमें ये बताने में मुकम्मल नाकाम है कि हम आगे की तरफ जाएं या पीछे की जानिब मुराजत कर जाएं। न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाला मुहावरा हम पे बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरमायादाराना निज़ाम फ्यूडलिज्म के मुकाबले में अपने अंदाज का एक ज़ालिमाना निज़ाम है, मगर इसकी नेमतों से भी इनकार मुमकिन नहीं। यही वो निज़ाम है जिसने प्रिंटिंग प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग की इजादात से इल्म, मालूमात और तालीम को तेज़ तरीन फ़रोग बख्शा, जिसका नतीजा इंसानी हकूक़ के शऊर और जमहूरी सियासी निज़ाम की सूरत में सामने आया। निसाई हकूक़ का जैसा भी शऊर इस वक्त है, ये इसी निज़ाम की देन है। हमें यहाँ अभी मुस्तकबिल में सूरत पजीर होने वाले आइडियलिज्म से बहस नहीं है। हमें तो अभी ये देखना है कि क्या वजह है कि सरमायादारी से जन्म लेने वाला सारा इस्तेसाल तो हमारे कानों पर लदा है, जबकि इसके फवायद में से हमें कोई हिस्सा नहीं मिल पा रहा। गौर से देखा जाए तो इसकी जड़ें यूरोप की निशात सानिया में पाई जाती हैं। वसायल की अदम दस्तियाबी के शदीद एहसास ने यूरोप को फ़लसफ़े, साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर धकेला, जबकि फतूहात के नतीजे में मिलने वाली खुशहाली मुस्लिम खिलाफत के अदवार में पैदा होने वाले फ़लसफ़ियों और साइंसदानों को खा गई। ये यूरोप ही था जिसने मुस्लिम समाज की जानिब से रद्द किए गए हुक्मा को अपने तालीमी इदारों में दोबारा ज़िंदा किया। मुस्लिम खिलाफत के समाज में ये इल्म एक जहनी अय्याशी से ज़्यादा दर्जा नहीं रखता था। उन्हें इस बात का इदराक ही नहीं था कि इसे इदारती शक्ल देकर समाज के हक में क्यों कर इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम हुक्मा की किताबों ने यूरोप के इल्मी, समाजी और मादी तरक्की के दर्जे को बुलंद होने का वाज़ह एहसास दिया, जबकि मुसलमान अपनी खुशहाली और जबरूत के घमंड में मुब्तला होने की वजह से इन उलूम की अहमियत समझने से कासिर रहे। ये यूरोप की ज़मीन थी जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी हकीकी मानों में उगे और फिर देखते ही देखते एक तनाव और दरख्त में बदलते चले गए। टेक्नोलॉजी ने जिन्नाती कारखानों को जन्म दिया, जहाँ काम करने के लिए सादा खेत मजदूर के बजाय पेचीदा खुदकार मशीनों को बनाने के लिए आला तालीम याफ्ता इंजीनियर और चलाने के लिए हुनरमंद और कदरे पढ़े लिखे सनती मजदूर दरकार थे। ये वो लोग थे जिन्होंने साइंसी माहौल में आँख खोली और उसी से अपने हकूक़ का इदराक कशीद किया। जमहूरियत, जो कि हकूक़ से आगाही का नागजीर नतीजा थी, उनके सामने पली बढ़ी और इर्तिका पजीर हुई और यूं शऊर से गुजरती हुई लाशऊरी अंदाज में उनका अंदाज ज़ीस्त बन गई। हमारे यहाँ जिन्नाती कारखाने ज़रूर बने, मगर उधार की साइंस और टेक्नोलॉजी से। इन कारखानों के मालिकान या तो जागीरदार थे या फिर ओछे नौदौलतिए, जो कि सरतापा मिल्कियत के खुमार में डूबे हुए थे। उन्होंने मजदूरों को भी गुलाम नुमा मजारे ही जाना। चूँकि रियासती उमूर भी उन्हीं के भाई बंदों के हाथ में थे, सो अपनी सिनतें चलाने के लिए उन्हें किसी अखलाकी और कानूनी जाब्ते की भी परवाह नहीं थी। अवामुन्नास और मजदूरों को किस्मत के दर्स में उलझाने और फंसाने के लिए उन्हें मजहबी हथकंडों से लेस उलमा और मौलवियों की कुमक दस्तियाब थी। बताना ये मकसूद है कि हमारा समाज एक ख़ास तरह की जागीरदाराना मजहबी सोच का असीर था, जिसकी बिना पर उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को एक इल्मी मजहर के तौर पर समझ पाता। सच तो यह है कि आज 21वीं सदी में भी हम मजहब और साइंस के दरमियान एक नाकाबिल कबूल तजाद के साथ जी रहे हैं। सूरत यह है कि हम अमली तौर पर साइंस की हर नेमत से फ़ायदा उठाने को तैयार हैं, लेकिन जहनी तौर पर उसे अपने मजहबी अकायद के लिए सबसे अजीम ख़तरा भी समझते हैं। ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं कि साइंसी इल्म और उसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियाँ मस्बत अंदाज में हमारे शऊर का हिस्सा बनकर
लाशऊरी अंदाज में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेसाख्तगी के साथ अमल पजीर हो सकें। हम अभी तक औरत को एक मुकम्मल जीते जागते और फैसला करने वाले वजूद के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी तरबियत और तालीमी निसाब औरत दुश्मनी के तसव्वुरात से लबरेज़ हैं। फ़लसफ़े और साइंसी तालीम को निसाब का बाकायदा हिस्सा बनाए बगैर ये तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। जदीद उलूम को प्राइमरी सतह से निसाब का हिस्सा बनाना होगा। टीवी चैनल्स पर जदीद समाजी नज़रियात को ज़ेरे बहस लाना होगा। मामलात को महज मजहबी हवालों के बजाय जदीद उलूम की बुनियाद पर दलील के साथ समझना होगा। इन मौजूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा ताकि तब्दीली के लिए तेज़ रफ्तारी के साथ जहन साजी की जा सके। जूं जूं सोसाइटी औरत पर हमा जहज शोबा हाय तालीम और काम के रास्ते खोलती जाएगी, जहेज की लानत कम होती चली जाएगी। पहली बात तो यह है कि हमें तालीमी निसाब से बेजा किस्म के गैर अमली अखलाकी असबाक को निकाल कर ज़िंदगी के बारे में तफहीम को बेहतर बनाने वाली मालूमात शामिल करना होंगी। ऐसी मजहबी असातीर से दरगुजर करना होगा जिन्हें इल्मी और साइंसी दलाइल के साथ साबित करना मुमकिन नहीं। समाजी मजामीन को फजूल किस्म की रद्ब याबिस से पाक करके समाजी साइंस की सतह पर लाना होगा। सेहत आम्मा के साथ साथ तौलीदी सेहत के बारे में मालूमात को दर्जा बदर्जा निसाब में शामिल करना होगा। औरत और मर्द के बारे में मुरव्वजा इम्तियाजी तसव्वुरात को निसाब से खारिज करना होगा। इब्तदाई दर्जे से आला तरीन दर्जों तक मखलूत तालीम को रिवाज देना होगा ताकि दोनों इसनाफ मेरिट की बुनियाद पर अपनी अपनी अहलियत साबित कर सकें। मखलूत तालीम का एक फ़ायदा यह भी होगा कि दोनों इसनाफ की एक दूसरे के बारे में मरीजाना हसासियत, जो कि कई तरह के जरायम और ख़राबियों का बायस बनती रहती है, उसका खात्मा मुमकिन होगा। मर्द ज़ात के बारे में औरतों का तसव्वुर बेहतर और नॉर्मल हो जाएगा और उनकी ज़ात एतमाद से बहरामंद हो सकेगी।